हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नेनुए और चने की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम इस नेनुए को छील लेंगे। इसको मैंने धो लिया है साफ से, और इसे छील करके गोलाकार या लंबे आकार जैसे भी आप पसंद करते हो वैसे कट कर सकते हैं। ये सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हम इसे मसालों में बनाएंगे, और इसके साथ में हम चने को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने नेनुए को लंबे आकार में कट कर लिया है, और ये दो तीन प्याज हैं और ग्रीन चिली है और गार्लिक जिंजर को कूट कर रखा है। ये गरम मसाला है जिसको हम डालेंगे, और ये कुछ मसाले हैं, हल्दी है, जीरा, धनिया, और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और मीट का मसाला है एक चम्मच। सो मसालों को हम अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। सो मिर्च और नमक को भी हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लेंगे। तो मैंने पैन में तेल को डाल दिया है, ये सरसों का तेल है, और तेल भी गर्म हो गया है, और इसमें मैंने डाल दिया है हल्का सा जीरा का छौंक लगा दिया है। ये नेनुए के सब्ज़ी में जीरा का छौंक बहुत ही अच्छा लगता है। सो अब मैंने प्याज को डाल दिया और ग्रीन चिली, सो इसे भी हम सौटे कर लेंगे। और साथ ही में मैंने डाल दिया है वो खड़ा गरम मसाला, दालचीनी और लौंग और सहजीरा। तो खड़ा गरम मसाला ऑप्शनल है, यदि आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसी के साथ में डाल दिया है गार्लिक और जिंजर कुटा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्याज है हो चुका है, और अब हम इसमें मसालों को डाल रहे हैं। और इसमें हमने पानी डाल करके उसे पेस्ट बना लिया था। और इसे हम मीडियम आंच पे ही बनाएंगे, वैसे लो में अच्छा होता है। सो मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लिए हैं, और इसमें एक कटा हुआ टमाटर हम डाल रहे हैं। थोड़ी देर और हम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मसाला हो चुका है, इसलिए हमने नेनुए को डाल दिया है। और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। जो लोग नेनुआ नहीं भी पसंद करते होंगे खाना, वो भी एक बार बनाएंगे तो ज़रूर ही पसंद आएगा। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है ये चने, जिसको हमने रात में फुला कर रखा था। तो चना भी आपके हिसाब से आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो इसे हम भुनेंगे और इसे अब ढक देंगे। सॉल्ट हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हमने इसे ढक दिया है, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये करीब आधा पक चुका है, और थोड़ी देर और हम इसे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये नेनुए की सब्ज़ी है तैयार है, और बहुत ही टेस्टी बना है। सो प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे हेल्दी कुकिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।